सब गुण गाइला हो। बाबा फुलवा छतवा चढ़ाइला, सब गुण गाइला हो। अस सब गुण गाइला हो। बाबा फुलवा छतवा चढ़ाइला, सब गुण गाइला हो।
चलने कौन देवता घुटी भरा धोती बीज घुटी भरा धोती बीज दौराले के घटे चलने कौन देवता घुटी भरा धोती बीज घुटी भरा धोती बीज घुटी भरा धोती बीज घुटी भरा धोती बीज।
घुटी भरा धोती भीजे, घुटी भरा धोती भीजे। दौड़ा लेके घटे चल ले कवन देवता, घुटी भरा धोती भीजे, घुटी भरा धोती भीजे, घुटी भरा धोती भीजे, घुटी भरा धोती भीजे, घुटी भरा धोती भीजे। So
ससुरारिया। कहवा तोहर नहीं रग धोबिन, कहवा तोर ससुरारिया, कहवा बीत लगे धोबिन ए हो सारी रतिया। कहवा बीत लगे धोबिन ए हो सारी रतिया। कौने दुख में डूब लगे धोबिन, कौने पड़ लो विपतिया। छठी मैया के व्रत कैले नाही पीते छतिया। छठी मैया के व्रत कैले नाही पीते छतिया। फलवा गया बला हमरा चढ़ा में डलवा। देवो सभे फलवा गया बला हमरा चढ़ा में डलवा। I'm not afraid to die।
बहंगे लचा काता जाए, बहंगे लचा काता जाए। बाटा जे पूछे ले बटोहिया, बहंगे के करा के जाए, बहंगे के करा के जाए। दूता अन्हारा हवे रे बटोहिया, बहंगे छठे माई के जाए, बहंगे छठे माई के जाए। वरा मंग बजरू।
सनुराटी का बजारू We'll be right back.
सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान ए माई कोने को की हले जन्म दे सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान ए माई कोने खेत जन्मल धान सुधान हो कोने खेत डट हर पान ए माई कोने खेत डट हर पान ए माई कोने खेत डट हर पान छठी मैया सबके बुलावाली अपन सनिया लगावाली छठी मैया सबके बुलावाली अपन सनिया लगावाली न्योता पिलाई मौसी आ गईली बाटे कार्तिक महीना आई चला जा घाटे छठी मैया सबके बुलावाली अपन सनिया लगावाली छठी मैया सबके बोलावली अपन सनिया लगावली साल भापा आइल बाड़ी बात कहीं जान ला देखुआ चढ़ा के जवन माई के मान ला साल भापा आइल बाड़ी बात कहीं जान ला देखुआ चढ़ा के जवन माई के मान ला गंगा मैया ला ले ला पियरी बतासा हो जाई पूरा तोहरा मनवा के आसा गंगा मैया सबके बुलावली अपन सनिया लगावली गंगा मैया सबके बुलावली अपन सनिया लगावली जाने जमाना देवी देवता देवतन के बुलावाले अपन सनिया लगावाले देवी देवता देवतन के बुलावाले अपन सनिया लगावाले। ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की अष्ट महर्षियों में सबसे खूबसूरत जामवंती थी। जामवंती का पुत्र श्याम काफी रूपवान था। रूप के अभिमान में चूर श्याम ने परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के पुत्र एवं श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त देवर्षि नारद को भला बुरा कहकर उनका अपमान किया। नारद इस अपमान का बदला लेने की ताक में रहने लगे और ये मौका भी नारद को जल्द ही मिल गया। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से शिकायत की कि उनकी 1600 गोपियों के साथ श्याम को प्रेम हो गया है।
इसके प्रमाण के लिए नारद जी ने एक दिन रौनक पर्वत के ऊपर से श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शाम को जल विहार करते हुए दिखाया। श्री कृष्ण ये सब देख नाराज होकर शाम का अप्रतिम सौंदर्य कोढ़ की बीमारी से नष्ट होने का अभिशाप दे दिया। तब शाम ने नारद जी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, उनसे इससे मुक्ति का उपाय पूछा। नारद जी को इसकी याचना पर दया आ गई। तब उन्होंने इससे मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की आराधना मैत्रेय वन में 12 वर्षों तक करने का सुझाव दिया। इसके कठोर उपासना से खुश होकर भगवान सूर्य ने राजा शाम्ब को श्राप मुक्त कर दिया। तत्पश्चात सूर्यदेव की कृपा से उसे दिव्य रूप और उत्तम स्वर मिला। अपन करा तो देर भइल बा अरघ देवे के फेर आदित्य बाबा हो। जे पर नजर तू देला फेर उता पंचाला तू फेर आदित्य बाबा। घटवा पे भीड़ बढ़ेर सोची ना कब होई सवेर आदित्य बाबा हो।